अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी के इंटरव्यू में आज हमारे साथ मैम हिरा जैनब मौजूद हैं, जो कि फर्स्ट हैंड फाउंडेशन की फाउंडर, पेंटर, राइटर और साथ ही साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आप अपने सक्सेसफुल जर्नी के बारे में बताएँ। ओके, सो इट्स लाइक अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन मैं इसको प्रिसाइज कर देती हूँ। आई वाज 17 इयर्स ओल्ड, मैं कॉलेज में थी और उस वक्त आपको पता है कि किस तरह हर्डल्स होते हैं पढ़ाई की और मसरूफियात होती हैं, बट ऑन दी अदर हैंड सिचुएशन ऑफ द सिटी वाज अ लिटिल टू वियर्ड, क्योंकि हर दूसरे दिन कभी कुछ शट डाउन हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा था। तो एक दिन ऐसे आई वाज यू नो कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज और रास्ते में देयर वर अ फ्यू पीपल स्लीपिंग ऑन द फुटपाथ। तो एट दैट टाइम मैंने अपने अब्बू से बोला कि यू नो आई डोंट नो व्हाई हमने ऐसा क्या किया है कि हम एक अच्छे से घर में रहना डिज़र्व करते हैं और वो लोग जो हैं वो फुटपाथ पे रहते हैं। मतलब अगर सोचा जाए तो वी हैव नॉट डन लाइक कोई इतना बड़ा कुछ काम नहीं किया कि हम भाई हमें इस तरह की लग्जरीज मिल रही हैं और जो बाकी के लोग हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। सो ये चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी। सो उसके कुछ टाइम बाद माई डैड वॉज इन द US और मेरी उनसे बात हो रही थी ऐसे मैसेंजर पर। सो माई टोल्ड माई फादर दैट आई वॉन्ट टू जॉइन एन NGO, तो उन्होंने मुझे बोला कि श्योर गो अहेड एंड डू दैट। अब उन दिनों में ऐसा भी वक्त था कि NGOs काफ़ी बंद हो रही थी बिकॉज अ लॉट ऑफ देम वर फंडिंग टेररिज्म। वो भी एक क्रूशियल सिचुएशन आ गई कि इफ़ आई जॉइन एन NGO व्हाट इफ वो ट्रांसपेरेंट ना हो। तो मेरे अब्बू ने मुझे ऐसे यू नो आई वाज टॉकिंग टू हिम ऑन फेसबुक, ही सेड कि व्हाई नॉट मेक योर ओन, इतने इश्यूज हैं अगर तो व्हाई नॉट मेक योर ओन। सो आई थॉट मे बी इट्स अ गुड आइडिया, आई डिड नॉट नो कि ये आगे जा सकता है या मुझे नहीं पता था कि इसके आगे मैं क्या करूँगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू डू समथिंग, मतलब अपनी तरफ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देना सोसाइटी की तरफ टू मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। तो फिर मैंने क्या किया कि डोनेशंस कलेक्ट करके या कपड़े कलेक्ट करके वो दारुल सुकून जैसी जगह और डिफरेंट ओल्ड हाउसेस वगैरह में मैं जाके डोनेट करती थी और देख के आती थी। इस तरह का वो शुरुआत था, क्योंकि पहले वो स्टेज भी ऐसी थी कि आई वॉज क्लूलेस कि आगे मैं क्या करूँगी, आगे क्या करना है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग और फिर मैं यूनिवर्सिटी में आई तो लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि ओ हाउ डू वी जॉइन, व्हाट डू वी डू, आपकी NGO हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे तब ये भी नहीं आइडिया था कि इसको मैं आगे एज अ टीम लेके जाऊँगी कभी, लेकिन ऐसा हुआ। एंड फिर मैंने खुद अकेले लोगों को रिक्रूट किया और इंटरव्यूज़ लिए और कुछ, क्योंकि फिर जाहिर है मैं आगे बढ़ चुकी थी तो मुझे पता था कि इस प्रोसेस को आगे कैसे कंटिन्यू करना है। तो बस उसके स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स राइट और मैंने सारी चीज़ें अलाइन की और आज फर्स्ट हैंड फाउंडेशन है। अच्छा मैम, आपकी जो फाउंडेशन है वो किस डोमेन पर काम कर रही है? सो बेसिकली हम लोग तीन मेजर एजेंडाज हैं जिस पे काम करते हैं, विच इंक्लूड्स एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और अवेयरनेस। एजुकेशन में वी ट्राई टू अपलिफ्ट वेलफेयर बेस्ड स्कूल्स, जो कि ऐसे स्कूल्स होते हैं, आप देखें जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स का जो आजकल हाल है और प्राइवेट स्कूल्स को आप देखें तो देर इज़ अ ह्यूज गैप, जिसकी वजह से मतलब फैसिलिटीज़ जो प्राइवेट स्कूल्स में हैं और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड फैकल्टी है वो आपको गवर्नमेंट और वेलफेयर स्कूल्स में नहीं मिलती। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू बैलेंस एंड वी आर ट्राइंग टू अपलिफ्ट द वेलफेयर बेस्ड स्कूल्स। और दूसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में वी ट्राई टू सेल्फ एम्प्लॉय पीपल बाय गिविंग देम जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सो अब ये भी हमारा उस तरह पहले कंफ्यूजिंग था कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे दें, तो वी स्टार्टेड बाय गिविंग देम फूड स्टॉल्स, जैसे फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल हो गया और जैसे लेट्स से सीओइंग मशीन हो गई, जो जो लोगों को कन्वीनियंट होता था, जो जिसके हाथ में स्किल होता था उस तरह का हम उनको स्टॉल्स लगा के देते हैं। तीसरा जो हमारा अवेयरनेस है, विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट ऑनेस्टली,
दैट इज़ बिकॉज इस पर बहुत सी कैटेगरीज आ जाती हैं. अवेयरनेस में हम लोग सोशल मीडिया कैंपेन्स भी करते हैं, सेमिनार्स भी अरेंज करते हैं जिसमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हैं, और रमज़ान ड्राइव आ गया, फिर फूड ड्राइव्स आ गई, और अवेयरनेस में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस रिलेटेड सेमिनार्स हैं एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट एंड इस पर हम लोगों ने सबसे ज़्यादा आई बिलीव के मैंने स्पेशली ज़्यादा इस पर आई थिंक फोकस किया है. अच्छा मैम, आपके इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? मेरी पर्सनल एक्टिविटीज़, आई लाइक टू पेंट, आई लाइक टू राइट, एंड आई लव टू रीड. तो मेरी बस रीडिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग में ही बचपन से एक पूरी लाइफ रही है. आई वॉज नेवर द गर्ल हु वुड प्ले विद डॉल्स, तो मैं कभी इस तरह आई नेवर प्लेड विद डॉल्स. इंस्टेड मेरे पास एक कैनवस होता था जो मेरे अब्बू ने मुझे लेके दिया था और उसके ऊपर मैं पेंटिंग करती थी. और उसके अलावा आई हैव ऑलवेज बीन लाइक इनटू बुक्स, और मैं फाइनेंशियल डेली में कॉलम्स भी लिखती रही हूँ पहले, और बस ब्लॉगिंग, और आई हैव माई ओन ब्लॉग जिसके ऊपर आई राइट अबाउट द सोशल इशूज. अच्छा, बीइंग अ सोशल वर्कर, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? Well, I would just say that, you know, अगर आपको दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, so for a fact they do exist, right? But उनको प्रॉब्लम्स को हमने बहुत डिस्कस कर लिया है भी. It's time to work on the solutions. और हमें भी पता है, आपको पता है, हम सबको पता है कि दुनिया में जितने भी इश्यूज हैं वो किन वजूहत से हैं, ठीक है? तो why not let's work on them together? And as an individual, हम सबके पास आई बिलीव एक पर्पस होता है लाइफ में और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो आई थिंक इफ आई एम डूइंग अ लिटिल बिट फ्रॉम माई साइड, एंड आई वुड सजेस्ट द सेम टू यू गाइज एज वेल, दैट डू योर बेस्ट बाय मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन एल्स. थैंक यू सो मच मैम, आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना टाइम निकाला. यू आर वेलकम. इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ जाता है. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.